नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा चार ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि खबरों में है। कुछ ना कुछ आज कॉर्पोरेट एक्शंस तो नहीं कहेंगे, न्यूज कहेंगे, कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ डील हैं जिनके दम पर स्टॉक्स में बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मूव के बाद आपको क्या करना चाहिए। एंड एक अपडेट देना चाहूंगा, कल रात मैंने एक वीडियो शेयर करी थी कि मैं अपनी एप्लीकेशन पे एक ऐसा स्टॉक शेयर करने जा रहा हूं जो पर्सनली मैं भी खरीदूंगा और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, फंडामेंटली नहीं टेक्निकली, और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज के सेशन में। शाम को वीडियो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, मे बी लेट नाइट अपलोड होगी तो आपको कल अवेलेबल हो जाएगी। अवेलेबल तो आज ही हो जाएगी बट लेट नाइट होगी, मे बी आप सो रहे हो, ऐप पे अवेलेबल ना हो तो कल आपको आसानी से देखने को मिलेगा। बट एक अपडेट जरूर देना चाहूंगा, वो स्टॉक आज 2.5% ऊपर आ गया है ऑलरेडी, बट कोई इशू नहीं है। एक दिक्कत हो गई है, जो हमारा एसएल पहले 10% के समथिंग का बन रहा था वो थोड़ा और बड़ा हो गया, बस ये प्रॉब्लम है। तो लेट्स सी क्या आगे निकलता है, मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे और 2 से 3 महीने के लिए शेयर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन का। ये वीडियो बिल्कुल फ्री में आएगी, आप कोई कोर्स परचेज कर रहे हैं तो ये मत सोचना ये वीडियोस में आएगी। आपको सिर्फ इस वीडियो के लिए ऐप पे आ रहे हो तो टेंशन फ्री रहना, ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसको मैं भी परचेज करूंगा। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूं मैं भी, इसलिए क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी भागता ही जा रहा है, रुपी इंडेक्स डिप में नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट देखते हैं, सबसे पहले स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक लगभग केईसी इंटरनेशनल का शेयर है सबसे पहला, जो कि आज मैंने आज जो खबरों में है और मैंने आपके साथ कल के सेशन में भी शेयर करा था कि ये स्टॉक डेफिनेटली एक गैप अप ओपनिंग दिखाएगा आपको, एंड वही हुआ एग्जैक्टली। स्टॉक में 490 तक की बात करी थी मैंने, 503 तक गया, 450 रुपए के समथिंग मैंने आपसे कहा था, 455 के करीब एक स्टॉप लॉस है जिसपे है 500 के आसपास, 500 तक स्टॉक पोजिशनली जाएगा, 490 पे ओपन हो सकता है, 500 पे आता है तो प्रॉफिट बुक करना, इस तरीके की मेरी कमेंट्री थी कल के सेशन में। स्टॉक आज का हाई 504 रुपए का है, ऑलमोस्ट 499 का ओपन है, तो किसी को मौका नहीं दिया इस शेयर ने खरीदने का, तो कोई फ्रेश तो नहीं ले पाया होगा। क्या अभी ले सकते हैं? तो मैं आपसे कहूंगा चार्ट पैटर्न अच्छा है बट लेना नहीं चाहिए, क्योंकि एक अच्छी डील थी उसके बाद नीचे आने दीजिए। अगर थोड़ा करेक्ट हो, सॉरी अगर थोड़ा करेक्ट होता है तब लेना चाहिए, और करेक्शन मेरे को लगता है 470 के समथिंग तक होना चाहिए तभी खरीदें, अदरवाइज ना लें, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत दूर हो रहा है। हम अपने स्टॉप लॉस से खिलवाड़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि अब हम 455 का जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 491 पे खरीद के 485 का लगा लें या 470-480 का लगा लें, वो ट्रिगर कर देगा फिर दोबारा चल देगा, तो जो स्टॉप लॉस उससे छेड़खानी नहीं कर सकते। यही मैं आपसे कह रहा हूं, जो स्टॉक मैंने कल डिफाइन कराया, रिसर्च कराया, ढूंढा है, तो उसमें जो स्टॉप लॉस है वो 10% का बन रहा है और टारगेट हमारा 25-30% का है, आज वो 2.5% भाग गया स्टॉक, और अभी तो डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, पता नहीं कहां जाके बंद होगा। अगर नीचे आ जाएगा बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो वही 10% का है, लेकिन अब वो 10% 12% के रूप में बदल गया है। लेट्स सी आगे क्या होता है। सेकंड स्टॉक है BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक खबरों में आता हुआ दिख रहा है, स्टॉक को अभी रिसेंटली काफी बड़े MOU साइन करे थे स्टॉक ने, कंपनी ने, और उसके बाद स्टॉक 950 तक गया, स्टॉक आज के सेशन में 860 का लो लगाया है, एंड अभी फिलहाल कुछ बड़े ऑर्डर्स की चीजें सामने आती हुई दिख रही है। 905 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक करंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, डेज हाई के पास ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। इस शेयर की बात करूं तो आज $255 मिलियन के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो लगभग 25.5 करोड़ डॉलर के इसे ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। ये एक और स्टॉक है जो आपको रडार पे रखना है, इसमें क्या खरीदारी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ना मूव बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, अभी थोड़ा वेट ही करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए स्टॉक में। ऊपर में 950 ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगा तब देखेंगे। थर्ड स्टॉक है दिलीप बिल्डकॉन की बात करें तो इसमें भी एक बड़े ऑर्डर्स मिले हैं वीकेंड के दौरान, और मैंने आपके साथ शेयर भी करा था ये स्टॉक में एक बार और ऑर्डर मिले थे, कोई मूव नहीं आया। सेम इस बार भी एक गैप अप ओपनिंग तो आई 214 की, बट उसके बाद शार्प गिरावट देखने को मिली है, 214 तो आई थिंक किसी को देखने को भी नहीं मिला, डायरेक्ट 210 पे आके खड़ा हो गया मार्केट खुलने के बाद। तो इस स्टॉक की भी है लगभग 1947 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं इस स्टॉक को। क्या करना चाहिए, फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए, और जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है और एवरेजिंग भी ना करें, क्योंकि स्टॉक लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू लोअर लोज ही लगा रहा है, तो अभी थोड़ा अवॉइड की राय भी दूंगा मैं। फोर्थ स्टॉक जो आज खबरों में वो है संवर्धना मदरसन लिमिटेड। कंपनी ने 4800 करोड़ में जर्मन की एक कंपनी को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया है 100%, जिसका नाम है सास ऑटो, कहीं ना कहीं सिस्टम टेक्निक में काम करती है कंपनी। तो ये एक और अपडेट थी संवर्धना मदरसन, जिसका 4-5% ऊपर दिख रहा है। चार्ट्स के हिसाब से बात करें तो 85-90 के बीच में जा सकता है, फ्रेश एंट्री की राय नहीं होगी, लेकिन जिसपे है वो डेफिनेटली ट्रेलिंग एसएल के साथ स्टॉक को होल्ड करें।
और अराउंड 88 87 के आसपास आए तो वहां प्रॉफिट बुक करने की भी सोच सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो जो आज चार स्टॉक हैं जो खबरों में उसके ऊपर मैंने शेयर करा। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।